मैंने इसलिए फोन किया है कि यार वो तुम्हारे डैड ने पाकिस्तान आने की कंफर्मेशन दी है, क्योंकि वो अम्मी पूछ रही हैं यार। हेलो वफा। हाँ, या तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? पता नहीं क्यों यार, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था, तो सोचा तो मैं फोन करके तुम्हारी खैरियत पूछ लूं। तुम जानते हो ना मीसम, दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बहुत नाजुक दिल है मेरा। बस जब से बुआ के बेटे की डेथ हुई है, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे अलोन। आई नो एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बस एक बात याद रखना, लाइफ में खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करना। ओके, आई एम हेयर फॉर यू ऑलवेज। अच्छा लिसन, वो मुझे तुमसे एक और बात पूछनी थी। मैं चाह रहा था कि तुम मुझे बता दो इफ इट्स ओके विद यू। मैं भाभी को तुम्हारे घर लेकर आना चाह रहा था। नहीं मीसम, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब क्यों नहीं? प्लीज वफा, मीसम तुम समझने की कोशिश करो। एक्चुअली अगर तुम अभी भाभी को मेरे तरफ ले आए डैड की गैर मौजूदगी में, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। पता है मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं उड़ के तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, तुम्हारे सारे दुख छीन करना, मिट्टी में दफन कर दूं। ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है, कभी खुशी तो कभी गम। हाँ मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां देखना चाहता हूं, गम की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा तुम पे। आई प्रॉमिस यू। जानती हूँ, इसीलिए तो गुरूर है अपनी मोहब्बत पे। और ये गुरूर मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। थैंक यू, थैंक यू सो। मीसम, मेरी ना बैटरी लो हो रही है, मैं चार्ज करके कॉल बैक करूं? या श्योर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। टेक केयर एंड आई विल सी यू टुमारो। ओके बाय। हाय, ये तो बिल्कुल ही डेड हो गया। अब इस घर में कहां से चार्ज करूं?